नमस्ते, एक शारदा पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी, पाठ दिए जल उठे। बच्चों आइए जानते हैं मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित पाठ दिए जल उठे। पाठ का मस्तक नक्शा का अध्ययन करेंगे। दिए जल उठे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित संस्मरण है। जब दांडी कूच की तैयारी हो रही थी तो रास में सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हो गई। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों के आग्रह पर यानी लोगों के कहने पर भाषण दे दिया। उस भाषण में केवल दो ही शब्द बोले थे, लेकिन कलेक्टर शिरडी द्वारा गिरफ्तारी किया गया। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को 3 महीने की जेल सजा हुई और 500 रुपया जुर्माना भरना पड़ा। इस फैसले को सुनाने के लिए जज को 1.5 घंटा समय लगा। 4 लाइन का फैसला सुनाने के लिए जज को 1.5 घंटा लगा। जब पटेल जी की गिरफ्तारी हो गई तो आगे की पूरी जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी पर थी। तो उस रास्ते से सरदार वल्लभ भाई पटेल जा रहे थे जहां आश्रम था, जो साबरमती आश्रम, जहां गांधी जी और सभी आश्रमवासी आश्रम में रहते थे। साबरमती आश्रम रास्ते में था। सभी आश्रमवासी सड़क पर खड़े रहना, यानी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तारी करके उसी रास्ते से जा रहे थे तो सभी आश्रमवासी आकर सड़क पर खड़े रह गए। तो महात्मा गांधी जी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की संक्षिप्त भेंट हुई। तो उस भेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें बताया कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यानी दांडी कूच को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब महात्मा गांधी पर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी जी से संक्षिप्त मुलाकात में कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। यानी इस दांडी मार्च को पूरा करने की जिम्मेदारी अब आप पर है, कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। किस लिए प्रतिक्रिया हुई? क्योंकि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को ब्रिटिश शासकों ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जैसे पुश्तैनी नेता यह केंद्रीय असेंबली में मुकदमे चलाए। जो मदन मोहन मालवीय केंद्रीय असेंबली में मुकदमे चलाए और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी केंद्रीय असेंबली में बताया कि अभिव्यक्ति की सिद्धांत पर खतरा बताया। मतलब जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया है उसके अभिव्यक्ति की सिद्धांत पर खतरा बताया। फिर इतना ही नहीं, ये सारे मुकदमे चलाने के बाद भी महात्मा गांधी जी चुप नहीं बैठे। वे अपनी दांडी मार्च की तैयारी में जुट गए। महात्मा गांधी जी रास में गए तो रास में उनका भव्य स्वागत हुआ। रास में दरबार समुदाय का प्रशंस किया। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने रास में जब पहुँचे वहाँ पर इनकी भव्य स्वागत हुई। फिर रास में इन्होंने दरबार समुदाय के लोगों का इन्होंने प्रशंसा किया, क्योंकि जो लोग दरबारी थे सब कुछ छोड़कर, मतलब अपना दरबार छोड़कर महात्मा गांधी जी के सहयोग में, मतलब इस दांडी यात्रा में सब शामिल होने के लिए पूरे रास के लोग आकर तो 21 मार्च को कांग्रेस कमेटी का बैठक
हुई। महात्मा गांधी ने तय किया कि 31 मार्च को साबरमती के तट पर यह कांग्रेस की कमेटी बैठी। फिर नेहरू जी गांधी जी से मिलने चाहते थे, तो नेहरू जी गांधी जी से मिलना चाहते थे। फिर वहां पर महात्मा गांधी जी ने इन भाषण में कहा, या रास के इस सभा में महात्मा गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, वल्लभ भाई की गिरफ्तारी जन सेवा के कारण हुई है। महात्मा गांधी जी ने यह बताया कि जो वल्लभ भाई पटेल की जो गिरफ्तारी हुई है वह हम सब की सेवा के लिए, मतलब जन सेवा, मतलब पूरे भारत की सेवा के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिर हमें यह दांडी मार्च यानी दांडी कूच हमें आगे बढ़ाना ही होगा। और महात्मा गांधी जी ने यह बताया कि कुछ लोग यहाँ पर गंदगी पर जिस तरह मक्खी चिपकी बैठी रहती है उसी तरह कुछ तलाटियों को अपने भाषण में इन्होंने बताया। फिर कनकापुरा की सभा, 8 बजे कनकापुरा पहुँचे, जहाँ पर 1 से 5 वर्ष की बुढ़िया ने तिलक लगाया और कहा स्वराज लेकर ही लौटना। जहाँ पर कनकापुरा सभा में एक बूढ़ी महिला आई जो 1 से 5 वर्ष की महिला थी और गांधी जी से कहा स्वराज लेकर ही लौटना, मतलब स्वतंत्र होकर ही वापस लौटना। तब महात्मा गांधी जी ने कहा मैं बिना स्वराज के नहीं लौटूंगा, स्वराज लेकर ही लौटूंगा, यह कहकर अपना भाषण में कहा। राजा से रंग तक सभी दुखी हैं, यह राक्षसी राज है, इसे संहार करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कनकापुरा की सभा में बताया कि राजा से रंग तक सभी दुखी हैं, यह राक्षसी राज, कौन सा राज था, जो ब्रिटिश सरकार, जो अंग्रेज सरकार जो हम पर राज निभा रही थी, यह राक्षसी राज कहा। और बताया कि इसे संहार करना चाहिए, इसे संहार करना चाहिए। फिर महात्मा गांधी जी की आगे की तैयारी, जहाँ नदी पार करना था, इस नदी पार के समय जहाँ पर बहुत सारे लोग थे तो नदी पार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि समुद्र का पानी जो चढ़ रहा था जिसके कारण नदी पार करना इतना आसान नहीं था। तो मही नदी के किनारे नमक कानून तोड़ना, जहाँ पर महात्मा गांधी जी और इनके सारे सत्याग्रही जिस नदी किनारे जा रहे थे, तो ब्रिटिश हुक्मारों ने यह कानून तय किया था कि जो नमक कानून, तो इन्होंने नमक के सारे भंडारों को इन्होंने नष्ट कर दिए। फिर उस नदी पार कराने की जिम्मेदारी तो रघुनाथ काका पर थी, तो रघुनाथ काका जी थे, इसे निषाद राज कर कहते थे सभी लोग, निषाद राज। इनके पास बहुत सारी नावें थी और बहुत सारी जमीन भी थी, तो नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को, तो आधी रात के समय नदी पार करना पड़ा इनको, क्योंकि समुद्र का पानी जब चढ़ता है उस समय वहाँ पर ज़्यादा कीचड़ नहीं रहेगा, यह सोचकर। और रघुनाथ काका को जिम्मेदारी जो दी गई थी, रघुनाथ काका ने इस जिम्मेदारी को निभाए। फिर रात के 10:30 बजे दलदली जमीन पर इनको चलना पड़ा, महात्मा गांधी जी और सभी सत्याग्रहियों को। इस दांडी मार्च जब चल रहे थे तो इनको रात के 10:30 बजे दलदली जमीन पर चलना पड़ा। तो रात जब नदी का पानी उफनने लगा, तब रघुनाथ काका ने गांधी जी और उनके सभी सत्याग्रहियों को नदी पार कराया। जब नदी पार कर रहे थे तो बहुत सारे लोग, क्योंकि घुप अंधेरी थी, तो उस समय में अंधेरा इतना था कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोगों ने हाथों में दिए लेकर आकर खड़े हो गए और बताने लगे, और यह नाराएं बताने लगे, महात्मा गांधी जी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय,
जवाहरलाल नेहरू की जय, इस तरह सारे जयजार जय जयकार होने लगा। फिर उस पार नदी के उस पार भी वैसा ही दृश्य था, वहीं पर लोग सभी लोग महात्मा गांधी जी का स्वागत करने के लिए हाथों में दिए लेकर खड़े हो गए थे। और जो नारा जो यहाँ पर बोल रहे थे, दोनों ओर यही सी नारे की गूंज रही थी, महात्मा गांधी जी की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय की नाराएँ गूंज रही थी। तो इतना अंधेरा होने के बाद सभी लोग हाथों में दिए लेकर खड़े थे और सभी सत्याग्रहियों का भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग थे जो नदी पार कर रहे थे। तो लोग सभी लोग हाथों में दिए लेकर दोनों और खड़े थे। तो बच्चों, आपको इस मस्तक नक्शा द्वारा आपका ग्रह कार्य रहेगा। इस वीडियो को सुनकर दिए जल गए पाठ का मस्तक नक्शा बनाइए, ठीक है। आप खुद ही एक मस्तक नक्शा तैयार कीजिए। धन्यवाद।